ओके और कुछ एवरीवन, कैसे आप लोग, आप सबका हमारे इस नई वीडियो में स्वागत है। गुड मॉर्निंग प्रीशा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है सैटरडे यानी कि 14th ऑफ मई एंड आज आने वाली है प्रीशा की बुआ। कौन सी बुआ आ रही है प्रीशा? मनीषा बुआ आ रही है, प्रीशा की फेवरेट बुआ आ रही है। और प्रीशा सुबह से बहुत एक्साइटेड है, मम्मा कब जाएंगे बुआ पास, कब जाएंगे बुआ पास। एंड प्रीशा भी नहा के आ चुकी है, वो कब से बोल रही है खाना खाने के समय मम्मा खाना खा के जाएंगे। फिर मम्मा, मैं खाना बना रही थी तो बोलती मम्मा कब चलोगी, क्यों बना रही हो खाना, बुआ पास जाएंगे ना। और अभी नहाने के लेके गई, मम्मा जल्दी जल्दी नाउनो कर लो फिर बुआ पास जाएंगे हम लोग, है ना प्रीशा? जाएंगे हम लोग। हाँ। कहाँ जाएंगे? बुआ हाउस जाएंगे। ओके। सो हम लोग थोड़ी देर के बाद जो है अभी प्रीशा को नहला के लेके आई, अभी खाना वाना खिलाऊंगी एंड उसके बाद मनीषा आएगी 3:45 के अराउंड, उसकी फ्लाइट जो है वो आने वाली है तो हम लोग जाएंगे उसको लेने, क्योंकि प्रीशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड प्रीशा को है कि बस बुआ से मिलना है ना प्रीशु? सो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है और हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, राइट प्रीशा? मुझे बुआ हाउस जाना है। ओ ओके, हम लोग बुआ हाउस भी जाएंगे लेकिन उसके लिए पहले खाना खाना पड़ेगा। खाना फिर से खाना पड़ेगा, खाना वो तो ब्रेकफास्ट था ना बेटा। मैं खाना खा लिया। वो तो ब्रेकफास्ट था, अभी तुम लोग लंच करेंगे ना। मैं खाना खा लिया। मुझे भूखा जाना है। कॉम को मुंह में नहीं डालते। ओके। और हमारा प्लान हो चुका है कैंसिल, किसी रीजन से मनीषा जो है वो अभी नहीं आ पा रही है। सो हम लोग कोई एयरपोर्ट कहीं पे भी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं है। और प्रीशा जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बुआ पास जाना है, बुआ के पास जाना है, बुआ हाउस जाना है, वो तब से एक्साइटेड थी लेकिन अब वो कहीं भी नहीं जा रही और अब वो लगी अपना खेलने में। प्रीशु से हाय। से हाय। तो प्रीशा लगी अभी अपने खेलने में और हाँ दीदी और अब हम लोग जा रहे हैं घर का काम करने, यानी कि घर का राशन वाशन लेके आना है जो हम इस महीने में लेके नहीं आए हैं। तो हम जाएंगे थोड़ा सा अभी बाहर, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, बहुत दिन से हम लोग घर में ही बैठे हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा बाहर भी जाएंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश भी होगा क्योंकि पहले से प्लान ऑलरेडी बन चुका था बाहर जाने का। तो यस, बाहर जाते हैं हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अब मनीषा को लेने नहीं जा रहे हैं एंड प्रीशा मैडम जो एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, अब वो घूमने के नाम पे एक्साइटेड हो चुकी है क्योंकि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान होता है। प्रीशा, डॉगी को कैसे सुलाते हैं? सो अब हम लोग जा रहे हैं घूमने एंड थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। हाय विकास, तुम क्या पी रहे हो? मनीषा नहीं आने की सबसे ज्यादा दुखी है वो विकास है। हाँ बेटा, हाँ मैडम को भी लैपटॉप चाहिए। प्रीशु कहाँ गई? हाँ प्रीशु फर्स्ट हो गई। और ये मृणाल का स्कूटी भी साफ करवाया गया था बिकॉज मनीषा आने वाली थी तो इसलिए हमने स्कूटी को पूरा धुलवाया कि मनीषा को प्रॉब्लम ना हो। बट एंड प्रीशा आ जाओ। बट 12 तारीख को जिसको भेजा गया था। और प्रीशा आजकल खुद से ही जाके पीछे अपने आप से बैठ जाती है और बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। और आज बहुत सारा सामान है पीछे तो बोल रही है मैं किधर बैठूं, वो इसलिए चिल्ला रही है कि वो किधर बैठे, पापा जगह बनाओ उसके लिए, जगह बनाओ।
कर दिया? ओ वाओ प्रिंशा, गुड गर्ल, आ गया, चलो 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 चलो, लेट्स गो। यस, वाओ, ग्राउंड फ्लोर। हाय प्रिंशा, जंप जंप जंप। हाँ क्या चाहिए? ओके और कुछ और प्रिशा सब सामान एक एक करके सब डाले जा रही है, बट हम वही खाली डब्बा डाल रही है और हम वही लेंगे जो जरूरत की चीजें हैं। और ये देखो ये खाली डब्बा कौन लेके जाता है? प्रिशा, ये खाली डब्बा है। प्रिशु देख तो लो, ये बॉक्स है, बस खाली बॉक्स है, इसको क्या करोगी? एक्साइटमेंट में हमने सिर्फ ये वाला टॉय लिया बिकॉज ये उसके पास नहीं था और बाकी सब हमने चुपके चुपके से हटा लिया है। प्रिशु टॉय कैसे है? और प्रिशा इसको छोड़ ही नहीं रही है और प्रिशा ने पूरा ट्रॉली भर लिया था और हमने सब चुपके से साइड से प्रिशा को आगे कर करके हमने हटाया सब। हमारे यहाँ पिज़्ज़ा ने अंडे दिए थे और वो छोटे छोटे अंडे वाले देखो ये कितने बड़े हो गए कबूतर, आपको दिख रहे होंगे ये अभी तक इनके ऊपर के वो जो रोए होते हैं शायद। दो अंडे हैं, दो कबूतर हैं अंदर, नहीं दो है। और हम लोग रोज आके देखते थे अब कितना बड़ा हुआ, अब कितना बड़ा हुआ। हाँ वो छटपटा रहा है, उसको जाना है अंदर, वो उस साइड से निकला होगा ना। प्रिशा कितना बड़ा हो गया पिज़्ज़ा, देखो ना पिजन कितना बोला जो हो गया पिजन, उसको अंदर जाना, वो डर रहा है, वो पहली बार शायद बाहर निकला होगा और फंस गया। बड़ा हो गया बहुत, पिशा से बड़ा ही हो गया, पिशा से बड़ा हो गया। हाँ मतलब उसकी उम्र के हिसाब से तो बड़ा हो चुका है ना बेटा, कुछ दिन में वो उड़ने भी लगेगा। हाँ कुछ दिन में वो उड़ के जाएगा, भले ही हमारे कारपेट की सत्यानाश हो गई है, पूरे कारपेट में अंदर में एकदम गंदा गंदा उन्होंने करके रखा है, बट वो दो अंडे को हमने तब से देखा है जब वो पिज़्ज़ा ने अंडे दिए थे और वो तब से कॉर्नर, पहले वो यहाँ रहते थे और उसके बाद वो उधर कोने में खसक खसक के चले गए और ये वाला प्लांट्स भी हमारे पिज़्ज़ा ने कल खराब कर दिया, बट क्या कर सकते हैं। उस पे ही बैठ गया था बेटा, उस पे ही बैठ गया था। हाँ नहीं भगाते ना बेटा, अपनी मम्मी पास भेज दो, उसकी मम्मी आती है उससे रोज मिलने। हाँ उसकी मम्मी रोज आती है मिलने उससे, मम्मी नहीं आ रही है उसकी, उसकी मम्मी को बुला दो, बुला दो उसकी मम्मी को, बेबी बुला रहा है। कैसे सो रहा है प्रिशा, कैसे सो रहा है? आईज ओपन करके सो रहा है। ओके और यहाँ पे हमने रखे हैं पिज़्ज़ा के लिए पानी और यहाँ पे उसका खाना और इसमें आती है पिज़्ज़ा, बहुत सारी पिज़्ज़ा जो उधर बैठी हुई है, उधर उधर बैठी हुई रहती है, आती है छप 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 पूरे पानी में करती है
और खाना खाती है और चली जाती है। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? पिजन नहीं है ना बेटा, अभी नहीं आया पिजन। अभी नहीं आया पिजन, नहीं खाना खाने अभी नहीं आया। चलो तुम्हारे खाने का टाइम हो गया, चलो। और प्रेशर लगी हुई है यहाँ पे अपने नए टॉय से खेलने पे, और विकास उसको डिस्ट्रैक्ट करके बोल रहा है तुम जूस पियोगी तो तुम्हारा वो अच्छे से जाएगा। और प्रेशर खेलने की उसमें एकदम लगी, एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको, जूस पीने के बाद एक्टिवेट होता है, लगा हुआ है। दो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ अभी बॉल, उसमें पिंक बॉल लेके आओ, पिंक बॉल वहां से, पिंक बॉल लेके आओ। जब नो प्लीज प्लीज सेव मी। ये फिर से जूस पीना पड़ेगा। अरे बाप रे, मैं बोला था पहले तुम जूस पी लो, तुम नहीं मानी मेरा बात। रुक जाओ धीरे धीरे। और ऐसे बनाया जाता है बच्चों को बुद्धू। इधर आ, एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर उधर कहाँ ले जाती हूँ, एक्टिवेट करना हो जाओ। वाला बॉल लेके आओ, लो एक्टिवेट हो गया। जा फिर से, जब से आए तब से सारा टॉय। सो यस, अब हो चुका है हमारे सोने का टाइम, और विकास का ये स्ट्रेन वाला जो फेस है। सो आज का जो पूरा दिन है वो बहुत ही उतल पुथल वाला रहा, करना कुछ था कर कुछ रहे थे, क्या चल रहा था कुछ पता नहीं है। तो अब बज रहे हैं रात के 10 एंड प्रिशा मैडम लगी हुई है अपना, क्या कर रहे हो प्रिशू, क्या देख रहे हो? प्रिशा वो क्या बोलती है इसको, उसको क्या बोलती है, दिशुम, दिशुम। दिशुम चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? को जो हम लोगों ने बुद्धू बनाया, जो डिस्ट्रैक्ट किया है, वो प्रिशा हो चुकी है। और प्रिशा को अब लग रहा है कि अब वो सिर्फ जब जब वो जूस पिएगी तब तब ही होगा, और यस वो वैसा ही होगा, राइट प्रिशा, है ना, गुड गर्ल। सो अब हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो है हमारा बहुत दिन के बाद ऐसा रैंडम ब्लॉग बना है। हम बहुत दिन से ट्रैवलिंग ब्लॉग, फूड ब्लॉग एंड बहुत सारी चीजें बना रहे थे, बट आज हमारा बस डेली ऐसे जो हमने क्या किया है क्या नहीं किया वो ब्लॉग बनाया है। तो होप आपको अच्छा लगा हो, एंड अच्छा लगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको करना है हमारे फेसबुक पेज पे लाइक, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी बच्चे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे। ओके, सो विकास कुमार के भी इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, 382 फॉलोअर है, इंस्टाग्राम को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम को कहीं शेयर कर देना आप लोग। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। प्रिशा क्या बोलते हम लोग, बेबी चाचा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेबी चाचा बाय गुड नाइट, बेबी चाचा गुड नाइट, बेबी चाचा बाय। सो बाय बाय।